पब्लिक टीवी आपकी आवाज। गुरुवार को सर्किट हाउस में दिशा कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बैठक की अध्यक्षता मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने की। इस दौरान बैठक में जिला अधिकारी मुरादाबाद के साथ महापौर विनोद अग्रवाल और सभी विधानसभा क्षेत्रों को क्षेत्रीय विधायकों ने प्रतिनिधित्व किया, तो वहीं सांसद जफर इस्लाम की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि अभिषेक सिंह ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आयोजित बैठक में स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधित विभिन्न मुद्दे बैठक में गूंजे, तो वहीं आजादी से लेकर अब तक ग्रामीणों को सड़क मुहैया न होने की समस्या को सांसद जफर इस्लाम के प्रतिनिधि अभिषेक सिंह ने जोरों से उठाया, तो वहीं डिलारी पीएचसी पर स्वास्थ्य सुविधाओं को भी अभिषेक सिंह ने जोरों पर उठाया। इस दौरान शहर की समस्याओं को लेकर भी मुद्दा उठा। आयोजित बैठक में समस्याओं के समाधान के लिए सांसद मुरादाबाद ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त श्रम रोजगार ने बताया कि योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में मई माह तक कुल 1,81,401 परिवारों को जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। सांसद मुरादाबाद ने कहा कि जनपद में गांव में जो महिलाएं पीतल का काम करती हैं, उन्हें भी प्राथमिकता से समूह गठन कर लाभ दिलाया जाए और लक्ष्य की प्राप्ति को सुनिश्चित किया जाए। ये पूरे जिले के सारे डेवलपमेंट की बात की गई और जो योजनाएं सरकार द्वारा संचालित हैं, उनको क्रियान्वयन करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में डीएम साहब, हम सब लोग जनप्रतिनिधि मौजूद रहे और ख़ास तौर से इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जो गरीब इंसान है उसके साथ पूरा पूरा इंसाफ होना चाहिए, उसको उसका हक मिलना चाहिए, योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुंचना चाहिए और सारी योजनाएं में किसी भी योजना में इफ एंड बट ना हो, बल्कि हमें काम चाहिए और योजनाओं की पूर्ति चाहिए। शहर की साफ सफाई के साथ स्वास्थ्य विभाग की अनेक कार्य कर रहे हैं, उन पर क्या क्या समस्याएं? देखिए, शहर की सफाई, सड़कों में की जो हालात हैं, गड्ढे हैं और लोग बाग परेशान हैं, उसके लिए बात की गई है। ये निर्देश दिए गए हैं नगर आयुक्त को कि जल्द से जल्द सारी सड़कों को ठीक कराया जाए और जहां गड्ढे हैं उसे भरवाया जाए और जहां सीवर लाइन पड़ रही है उसकी भी पैचिंग जल्द से जल्द करी जाए। आने वाले वक्त के ऊपर अगर कोविड महामारी दोबारा फैलती है, उसके लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना होगा। बच्चों की पूरी हिफाजत करी जाएगी और वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाए, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि कोविड को सिर्फ और सिर्फ अगर आपको बचा सकता है तो वो वैक्सीन ही बचा सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं। अच्छा सर जी, जो अब तक मुद्दे सामने रखे गए, जो डेटा आपके सामने रखा गया, उससे संतुष्ट नज़र आए हैं? ज़्यादातर डेटा से हम संतुष्ट हैं। कुछ डेटा के ऊपर हमने इंक्वायरी भी करी है और पेपर भी मांगे हैं कि आपने कहाँ कहाँ क्या काम किया, हमें लिखकर ब्लैक एंड वाइट में दिए जाएं ताकि हम उसको दोबारा उसकी जांच करा सकें, और अगर ऐसा हमें नहीं पाया गया तो उनके खिलाफ़ हम जिलाधिकारी जी को लिखेंगे कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कुछ ऐसा भी रहा कि जो अभी बदलाव करने की ज़रूरत है या कुछ ऐसा विकास कार्य होने की ज़रूरत है जो अभी तक नहीं हो पाया, कुछ अहम मुद्दे रहे हो? देखिए, सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात जो है, इस वक्त सबसे अहम मसला कोविड का है। डेल्टा प्लस अगर आ जाता है तो हम ये नहीं चाहते कि जो दूसरी लहर में जो लोगों का हशर हुआ है वो अब ना हो। जो हालात गुजर गए वो गुजर गए, लेकिन आगे के लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा, हमें शमशानों की, कब्रिस्तानों की, सब तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा और महामारी से बचने के लिए मैक्सिमम जो भी हम कर सकते हैं हम करेंगे, चाहे हम जनप्रतिनिधि हों या हमारे सीएमओ साहब हों। इससे बड़ा मुद्दा इस वक्त का कोई नहीं है, जहाँ पे आदमी की, इंसान की जिंदगियाँ जा रही हैं। अगर जिंदगी है तो भी सब कुछ है, अगर जिंदगी नहीं है तो बाकी बेकार है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।